असलम फ्रेंड्स वेलकम टू काटेड शॉर्ट अच्छा जी आज की हमारी वीडियो होने वाली है एम सी एम थ्री जीरो वन के लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर के बारे में विच इज़ अबाउट विजुअल एज आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रही हूँ कुछ भी अपलोड नहीं किया कोई बातचीत कोई गपशप हम लोगों की नहीं हो सकी आपस में रियली सॉरी फॉर देट एज़ यू नो कि शादियों का सीज़न है और uh, काफ़ी सारे इवेंट्स आते रहते हैं फैमिली में सो थोड़ा सा बिजी हो जाता है इंसान लेकिन नहीं जी इंशाल्लाह हम आपका कोर्स कंप्लीट कराने में पीछे नहीं हटेंगे कोर्सेज़ इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी जो भी चीज़ें मिसिंग हैं वो जल्द अज जल्द अपलोड हो जाएँ और अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल हम लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले अगर विजुअल एड्स की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है दैट इज़ कि विजुअल एड्स को आ, की ज़रूरत क्यों है ठीक है आ, वाई विजुअल एड्स ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है अच्छा जी विजुअल एड्स की ज़रूरत क्यों है क्योंकि जब सुनने वाला होता है तो वो सिर्फ अगर आपकी बातें सुनता जा रहा है तो वो काफ़ी हद तक बोर हो जाएगा उसको कुछ अटेंशन के लिए कुछ उसकी अटेंशन को ग्रैस्प करने के लिए किसी विजुअल एड की ज़रूरत होती है फ़र्स्ट पॉइंट इज़ दैट ठीक है ये आपसे शॉर्ट लॉन्ग एम के हवाले से ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं एलिस्ट्रेटिंग पॉइंट्स दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स अलोन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सिर्फ बातों से समझानी मुश्किल हैं उसमें आप विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं लेट सपोज़ मैं अपनी फील्ड से साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपसे अगर मैं सिर्फ आपको समझाऊँ कि हाउस ट्री पर्सन टेस्ट क्या होता है उसकी बन नस्बत मैं आपको उसकी जगह को विजुअल एड दिखा दूँ कोई इमेज कोई वीडियो कोई कुछ इस टाइप की चीज तो आपको वो चीज़ समझनी ज़्यादा आसान हो जाएगी इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक जो आपकी टॉपिक है बात है जाहिर है उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी जब अगला आपकी बातों को बेहतर समझ सकेगा सेंटरिंग द अटेंशन ऑफ द लिसनर अच्छा ये बातें वही हैं बार बार रिपीट की हुई हैं कि मेन दो पॉइंट्स अभी तक उन्होंने कहे हैं कि एक आपकी अटेंशन जो सुनने वाला है उसकी आपकी तरफ मतवजो हो जाएगी और आप अपनी बात को बेहतर समझा पाएंगे एडिंग वराइटी इज़ लाइक के जब आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स चीज़ों के देखने को मिलते हैं तो आपका इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा उस चीज़ की तरफ हो जाता है तो देट इज़ एडिंग वराइटी उसके बाद यहाँ पे जो तीन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं दैट इज़ हेल्पिंग योर स्पीच हैज़ लास्टिंग इम्पैक्ट एम्फेसाइजिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एंड हेल्पिंग योर लिसनर्स रिमेंबर योर टॉक मतलब ये कि हमें ये पता है कि इंसान की रिटेंशन पावर टेन परसेंट है कि उसको कही हुई बात दस परसेंट याद रहती है बनस्बत उसके जो उसने देखी होती है देखी हुई चीज़ें उसको फिफ्टी परसेंट उसके माइंड में रहती हैं बाकी चीज़ें उसको दस परसेंट उसके माइंड में रह पाती हैं तो यहाँ तक हो गई ये बातें अच्छा उससे आगे इन्होंने जो जिस जिस चीज़ को डिस्कस किया है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रेजेंटेशंस की या विजुअल एड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप किस प्रेजेंटेशन में यूज़ की जाएगी ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंटेशन किस टाइप की है ठीक है उसको आपको समझना है कि किस तरह की प्रेजेंटेशन है उसकी डिमांड क्या है नीड क्या है उस हिसाब से आप विजुअल एड को चूज़ करेंगे ठीक है ये जो आपका यहाँ से सॉरी यहाँ से एक मिनट जी यहाँ से लेके जो आपका पैराग्राफ है यहाँ तक ठीक है ये सारा इस बारे में है कि आपको क्या कलर यूज़ करने हैं किस टाइप की इमेजेस किस टाइप की एनिमेशन वीडियोस यूज़ करनी है या सिंपल आपको किसी को कोई हैंड आउट्स पकड़ा देने हैं ये दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी uh, किस काइंड ऑफ प्रजेंटेशन है आपकी ठीक है ये इस पूरे में बात की गई है नॉट इम्पॉर्टेंट यू कैन एक्सक्लूड फ्रॉम योर नोट्स ठीक है आगे चलते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपकी प्रेजेंटेशन किस टाइप की है और उसमें आपको किस मीडियम को यूज़ करना है ठीक है ये पॉइंट्स हैं ये आप एम सी क्यू शॉर्ट के हवाले से देख सकते हैं पहला पॉइंट है जी साइज़ ऑफ योर ऑडियंस आगे आप जब इन मीडियम्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सा मीडियम कितनी ऑडियंस के लिए काफ़ी है तो अब आपको पता चले कि आपकी मीटिंग जो है वो सौ लोगों की है या पचास लोगों की है या तीस लोगों की है या हज़ार लोगों की है तो आपको कौन सा मीडियम यूज़ करना है ये जब हम इन मीडियम्स को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा सेकेंड पॉइंट इज़ वेदर और नॉट देर विल बी ऑडियंस पार्टिसपेशन पार्टिसिपेशन से मुतलिक मैं आपको बता देती हूँ कि लेट सपोज़ कि अगर आपकी आपको ऑडियंस की कोई पार्टिसपेशन नहीं चाहिए तो आप वीडियो प्रजेंटेशन दे सकते हैं uh, मतलब अगर आप किसी जगह पर नहीं हैं आप कहीं और से वीडियो प्रजेंटेशन दे सकते हैं क्योंकि आपको अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन की जरूरत ही नहीं है ठीक हो गया जी थर्ड पॉइंट इज द रूम साइज अरेंजमेंट लाइटिंग अकोस्टिक्स क्लाइमेट एंड सेफ्टी ऑफ योर प्रजेंटेशन एन्वायरमेंट जैसे कि हमें पता है कि हम प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल डिम लाइट में यूज़ होता है उसके अलावा अगर आप ये ध्यान रखें कि आपने अगर प्रोजेक्शन देनी है और आपकी लाइट्स भी डिम हैं और उसके अलावा आपका जो है वो रूम भी बहुत कोजी सा है वॉम है हल्का सा तो वहाँ पर मोस्ट प्रॉब्बली लोग सो जाएंगे तो उस हिसाब से आपको इन चीज़ों को भी लेकर चलना है फिर प्रेजेंटेशन बजट की बात आती है कुछ प्रेजेंटेशंस बनाना या उनको प्रोजेक्ट करना एक्सपेंसिव हो जाता है एट टाइम्स आपको प्रोजेक्टर ख़ुद अफोर्ड करना पड़ता है वहाँ पर जो इंतज़ामिया होती है वो प्रोवाइड नहीं करती है तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है एट टाइम्स आप लोगों के पास घरों में कंप्यूटर नहीं होते मतलब जिस टाइम के नोट्स हैं उसके हिसाब से तो इक्विपमेंट्स जो है वो महंगी हो जाती हैं फिर आ जाती हैं जी टाइम कंस्ट्रेंस टाइम कंस्ट्रेंस का इस लिहाज से जिक्र किया गया है कि इस पॉइंट पर रहें हम अभी टाइम कंस्ट्रेंस का इस लिहाज से जिक्र किया गया है कि अगर आपको टाइम बहुत कम है बहुत शॉर्ट है और उसमें आप कोई वीडियो दिखाना क्लिप मतलब ख़ुद वीडियो पर नहीं है आप कोई वीडियो क्लिप बीच में प्रेजेंटेशन के ऐड कर देते हैं दस से पंद्रह मिनट की और आपकी प्रेजेंटेशन है ही बीस मिनट की और उसमें आप पाँच मिनट बोलते हैं तो फ़ायदा नहीं है तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि टाइम कंस्ट्रेशन अगर तो बहुत ज़्यादा है फिर आप बीच में शॉर्ट वीडियोस बीच में क्लिप्स बीच में इमेजेस ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अगर है ही कुल दस मिनट तो उस हिसाब से आपको किस तरह चीज़ों को वाइंड अप करना है ये आपको पता होना चाहिए अच्छा जी अब बारी बारी हम इनको देख लेते हैं कि हमारे पास मीडियम्स कौन से हैं सबसे पहला आ जाता है जी दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड प्रजेंटेशन अच्छा यहाँ पे आपको ये रेड रेड लाइन नज़र आ रही होंगी ये मैंने चेक किया था कि ये मैं इस तरह राइट कर सकती हूँ इस पर या नहीं कर सकती ताकि आप लोगों को विजुअल एड मिले और आप लोगों का इंटरेस्ट डिवेलप हो देखें जी मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ मैं अमल भी करती हूँ अच्छा सबसे पहला आता है जी कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशंस कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन डजेंट मीन दैट पावर पॉइंट स्लाइड्स ठीक है फर्स्ट थिंग आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ़ पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है यहाँ पर इन्होंने मुख्तफ़ चीज़ों की बात बात की हुई है कि आप कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं ठीक है ग्राफिक्स भी पिक्चर्स भी डाल सकते हैं कोई एनिमेशन डाल सकते हैं कोई छोटी वीडियो क्लिप्स डाल सकते हैं उसके अलावा आप अगर जो है वो रियल टाइम प्रजेंटिंग करना चाह रहे हैं मतलब लाइट सपोज़ कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रजेंट कर रहे हैं और आप उसको ऑन द स्पॉट रन करके दिखाना चाह रहे हैं ठीक है इस टाइप की कोई चीज़ कर रहे हैं या आपको बिजनेस सिचुएशन लाइक एक्सेल शीट्स पर आप कुछ आ, इतना हमारा अगर कॉस्ट आ गई तो इतने एक्सपेंसिस कम हो जाएंगे इतने बढ़ जाएंगे इस टाइप का कुछ आप शो करना चाह रहे हैं तो मतलब ये काफ़ी सारे सिनारीज़ हैं जिनमें हम कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं ठीक है और इसको हमें पता है कि प्रोजेक्टर के ज़रिए ही प्रोजेक्ट किया जाता है आप पुराने वक्तों में फ़्लॉपी डिस्क में या पेन ड्राइव में और आज के वक्तों के हिसाब से यू में आप वो प्रजेंटेशन वो चीज़ें अपना डाटा लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो कंप्यूटर अवेलेबल होता है उसमें लगा कर आप उसको प्रोजेक्टर के ज़रिए दिखाते हैं ठीक हो गया जी कंप्यूटर बे बेस्ड प्रजेंटेश ड्रिंग अ लेवल ऑफ़ प्रोफेशनलिज्म ये मोस्टली प्रोफेशनलिज्म में इस तरह की प्रजेंटेशन दी जाती हैं बहुत प्रोफेशनल वे में इनका इस्तेमाल किया जाता है और बड़ा अच्छा इम्पेक्ट आता है जब आप एक कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन करते हैं ठीक हो गया जी आ, अब देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं लिमिटेशंस क्या हैं और हिंट्स क्या हैं बेनिफिट्स और लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए हर मीडियम uh, की ये आपसे शॉर्ट वगैरह में पूछी जा सकती हैं कि इसको यूज़ करने के दो बेनिफिट्स या दो लिमिटेशंस क्या हैं तो आपको वो पता होनी चाहिए अच्छा जी बात करते हैं अब बेनिफिट्स की पहली बात यह है कि हमें बहुत अच्छे कलर्स मिलते हैं ठीक है प्रेजेंटेशन के बड़े अच्छे कलर्स मिल रहे होते हैं तो वो एक आ, हम कह सकते हैं आई कैची चीज़ होती है डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन रियल टाइम मीन्स कि अगर आपने कुछ रन करके दिखाना है आपने कुछ ऑन द स्पॉट करके दिखाना है तो यू कैन डू दैट सप्लाई कॉस्ट आर नॉन एग्जिस्टेंस आपको कुछ भी नहीं करना आपके पास जो भी पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क सी डी जो भी चीज़ है उसमें उसको कन्वर्ट करके आपको उसको लाना है तो आपको सप्लाई की कोई कॉस्ट नहीं है लास्ट में चेंजेस आर पॉसिबल पॉसिबल। आप आप किसी भी टाइम पर अपना डॉक्यूमेंट एडिट कर कर सकते हैं। uh, interest, आप अच्छे से कर सकते हैं you know, में आप डाल सकते हैं स्पेशल ऐड इंटरेस्ट अच्छे से स्लाइड ट्रांसमिशन टू रिमोट लोकेशन इज पॉसिबल और अगर आपने वो वहाँ उसको उस प्रजेंटेशन को कहीं और लेकर जाना है या किसी को देना है या किसी और जगह पर प्रजेंट करना है तो वो आप अपनी उसी सी uh, डी को यू एस बी को जो भी चीज़ है उसको ले जाकर वहाँ पर प्रजेंट कर सकते हैं अच्छा जी उसके बाद हमारे पास आती है, uh, limitations हैं लिमिटेशन की बातें प्रोजेक्शन इक्वमेंट इज़ एक्सपेंसिव जहाँ तक बात की गई थी सप्लाई uh, कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज़ बेसिकली अबाउट द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग आइदर इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आइदर इट इज़ हम कह सकते हैं स्लाइड शो जो आपका होता है आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं मेरे माइंड से निकल गया लेकिन जो भी आपको इस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही है लेकिन हाँ जो प्रोजेक्शन का इक्विपमेंट है अगर आपको वो खुद अफोर्ड करना पड़ रहा है तो दैट इज़ एक्सपेंसिव उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज कंप्यूटर एंड ग्राफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड एट टाइम्स लोग बिल्कुल निल होते हैं कंप्यूटर यूज़ करने के लिए तो उनको नहीं पता होता कि वट दे शुड डू हाउ दे शुड यूज़ द कंप्यूटर तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है प्रजेंटेशन डिपेंड्स मोर अपॉन इक्विपमेंट रैदर दैन द प्रजेंटर मतलब ये कि अगर आपका सारा डाटा या आपने कुछ रियल टाइम पर रन करके दिखाना है और वो आपका ऑन द स्पॉट आपका मटीरियल नहीं रन करता तो फिर प्रेजेंटर की कोई वर्थ नहीं रह जाती ठीक है अ डार्कर रूम इज रिक्वायर्ड और जाहिर है वी नो दैट प्रोजेक्शन के लिए आपको डार्कर रूम चाहिए होता है अच्छा उसके बाद हेल्पफुल हिंट्स आप बेसिकली ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि कुछ इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है हम एक दफ़ा उनको देख लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं जिसमें उन्होंने हमें कहा कि आपको एक तो ये कि आपको सबसे पहले जाकर अपने रूम का साइज़ उसकी लाइटिंग उसकी चीज़ें बेसिक चेक कर लेनी चाहिए उसके अलावा आपको देख लेना चाहिए कि आपको जो है कंट्रोल हासिल होना चाहिए उन चीज़ों को रन करने में उन स्लाइड्स को रन करने में आप एक रिमोट कंट्रोल यूज़ कर लें स्लाइड्स को आगे करने में मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं उसको आगे करने के लिए स्लाइड्स को किसी की हेल्प ले सकते हैं असिस्टेंस ले सकते हैं ताकि आपको बार बार अगर आप रूम में रोम अराउंड करें तो आपको बार बार पीछे जाके उसको चेंज करना करना पड़े उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी एक, 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 एक एक्स्ट्रा यू एस रखनी चाहिए या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी को मेल कर दें तो आप मेल से उसको दोबारा एक्सेस कर सकें क्योंकि एट टाइम्स फाइल करप्ट हो जाती है वायरस आ जाता है कोई भी इशू हो सकता है यूज़ अ लेज़र पॉइंटर लेज़र पॉइंटर हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ पॉइंट करके दिखा रही हूँ कि मैं इस पॉइंट पर हूँ हम इसे डिस्कस कर रहे हैं तो इससे आपको पता चल गया कि हम क्या हैं तो जब पॉइंटर होता है तो आप बता सकते हैं कि आप किस पॉइंट पर हैं किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं अगर कहीं किसी से मिस हो जाए इफ़ पॉसिबल वेरी द प्रजेंटेशन विद इन अदर एक्टिविटीज़ मतलब किए कि अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन आपकी उस कंप्यूटर बेस्ड ना हो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा हो ताकि लाइट्स ऑन की जाएं और लोगों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जाए